90 के दशक में पश्चिमी दुनिया में नौकरी करना पढ़ी लिखी पीढ़ी का सपना हुआ करता था और भारत में ब्रेन ड्रेन पर खूब बहस होती थी। हालांकि लोगों के देश छोड़ने का सिलसिला अभी भी जारी है, लेकिन पेरिस में काम कर भारत लौटी कनिका की तरह ही कई लोग हैं जो अब पश्चिम की चकाचौंध छोड़कर अपनों के करीब लौट रहे हैं। भले ही भारत में 4 पैसे कम जरूर मिलते हैं, लेकिन यहाँ तरक्की के मौके ज्यादा हैं। यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज इतनी ज्यादा हैं कि अगर मतलब अभी वो ग्रोथ फेज में है, सो अब वो नेसेंट स्टेज में भी नहीं है, वो ग्रोथ स्टेज में है। इस टाइम पे अगर आप वापस आते हो और आपकी स्किल्स यहाँ पे वैल्यूड हैं, जैसे मेरे को लगता है कि पर्सनली लाइक आई गॉट अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी हियर बिकॉज मैं 4 जगह और रह के आ चुकी हूँ, मैं कानपुर से, तो सडनली मेरी वैल्यू यहाँ पे बहुत ज्यादा थी। कनिका की ही तरह खाड़ी देशों से वापस लौटे लोगों में कैलाश साहनी भी हैं। बैंकिंग क्षेत्र में काम कर चुके कैलाश कहते हैं कि अब भारतीय बाजार पहले से ज्यादा परिपक्व हो गया है। आज अगर हम इस मार्केट को देखें तो एक ये मैच्योर्ड मार्केट है, यहाँ पर लोगों की एक्सपेक्टेशंस भी रीजनेबल है। पहले हुआ करता था कि आप हर एक साल में जॉब चेंज कर रहे थे, आज अगर एक कैंडिडेट जॉब चेंज करना चाहता है तो उसको 5 से 6 बार सोचना पड़ता है। तो आई थिंक एक मेचोरिटी से आ गई है, कंसोलिडेशन आ गया है मार्केट में, और मेरे ख्याल से आज का जो मार्केट है वो 2006 के मार्केट से भी बहुत अच्छा है। दशकों तक भारतीयों को लुभाती रही अमेरिका की सिलिकॉन वैली भी अब कोई ख्वाब नहीं रहा है। नौकरियों के बाजार पर नजर रखने वाले कह रहे हैं कि अमेरिका से लौटने वालों में केवल बैंकिंग या आईटी ही नहीं, फार्मा, ऑटो, टेक्सटाइल और फूड प्रोसेसिंग जैसे क्षेत्रों के लोग भी हैं, क्योंकि इन क्षेत्रों में नौकरी की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। मेरे ख्याल से जो सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी, मेरे हिसाब से मैं बोलूँगा करीबन 100 से 150% बढ़ोतरी हुई है ई कॉमर्स और मोबाइल सेक्टर में सबसे ज़्यादा। मेरे ख्याल से आज के दिन हर चीज़ मोबाइल पे आदमी खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं। बाकी जो सेक्टर हैं, जो आप अगर आप फार्मा ले लें या ऑटोमोबाइल ले लें, उसमें भी 30 से 40% की बढ़ोतरी हुई है। दुनिया की दूसरी सबसे तेज रफ्तार अर्थव्यवस्था में पनपते नए अवसर विकसित देशों में काम कर रहे ऐसे भारतीयों के लिए चुंबक का काम कर रहे हैं जिन देशों में अर्थव्यवस्थाएं सुस्त पड़ी हैं। नए अवसरों की तलाश में लोग वापस आ रहे हैं, भारत लौट रहे हैं नई उम्मीद के साथ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि विदेशों में काम करने की चाह कम हुई है। सुशांत मोहन, BBC मुंबई। विदेशों से भारतीयों के लौटने के इस रुझान के क्या मायने हैं? बीबीसी संवाददाता सलमान रावी ने यही सवाल पूछा आर्थिक मामलों के जानकार शंकर अय्यर से। देखिए, जिसमें वो एंटरप्रेन्योरियल स्किल होगा, जो अपना नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहेंगे, कुछ लोग अपने घर के पास रहना चाहेंगे, ऐसे कई सारे प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स वगैरह आएंगे, लेकिन इसको जनरलाइज नहीं किया जा सकता। और मैं नहीं मानता कि कोई बड़ी फ्लड वहाँ से यहाँ आ रही है या बड़ा वेव ऑफ रिटर्न है। ये ज़रूर है क्योंकि भारतीय GDP बाकी देशों की तुलना में बेहतर कर रहा है अभी, तो इसका एक निष्कर्ष ये निकलता है कि यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर बिजनेस, फॉर एंटरप्रेन्योरशिप ज़्यादा होगा। तो उसके चलते कई सारे जिनके मन में वो आइडियाज़ हैं, सॉल्यूशंस हैं, वो भारत वापस आना चाहते हैं, और ये बार बार हुआ है। इस बार इसमें एक ज़्यादा दिखाई दे रहा है क्योंकि हमारी आबादी भी ज़्यादा है और भारतीय लोग भी 20 मिलियन के करीब बाहर हैं। अगर आने वाले दिनों में भारतीय अर्थव्यवस्था पहले से बढ़ती है तो क्या और भारतीय प्रोफेशनल देश लौट सकते हैं? नहीं, बिल्कुल लौट सकते हैं। अब हम लोग करीब करीब $2 trillion की इकोनॉमी है। अब जो वायदे मोदी सरकार ने किए हैं, अगर वो निभाएं, जिस तरह की उम्मीदें रखी गई हैं और जिस तरह की उम्मीदें जागतिक संस्थाएं भारत के ऊपर रखे, जिन्होंने कहा कि ये चाइना से आगे चले जाएगा, सबसे बड़ी विकसित इकोनॉमी बन सकती है, जो उम्मीद और रियलिटी के बीच का जो फासला है, अगर वो तय करें तो काफ़ी लोग आ सकते हैं। क्योंकि इसका मतलब ये होगा कि आपने अपने व्यवस्था में वो सब चेंजेस किए हैं और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, इंडिया इतना बड़ा डोमेस्टिक मार्केट है,
तो उसके लिए तो लोग ज़रूर आएंगे। जो लोग बड़ी संस्थाओं में विदेश में काम करते हैं मल्टीनेशनल के लिए, उनके अंदर में एक एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट होता है, उस स्पिरिट को अगर वो निचोड़ना चाहें तो वो देश आएंगे, यहाँ करेंगे।